नगर पालिका चुनाव के नामांकन में भाजपा में टिकट के लिए खींचतान देखने को मिली है। भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को धार नगर पालिका टिकट फाइनल करने के लिए बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में भी हंगामा हुआ है। कार्यालय में बैठक के बाहर मातृशक्ति ने विधायक नीना वर्मा के समर्थन में नारेबाजी की, साथ ही टिकट वितरण में मनमानी की बात कही है। भाजपा कार्यालय पर इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन इसमें धार नगर पालिका के टिकट फाइनल करने के लिए काफी विवाद देखने को मिला। विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष के बीच कहासुनी की बात सामने आई है। सूत्रों के माने तो कई पूर्व पार्षदों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, इस कारण टिकट कटने की संभावना है। टिकट कटने की आशंका के बीच शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में पार्षदों ने अपने समर्थन में वार्ड के रहवासियों को भी खड़ा कर दिया। इस बीच कुछ देर के लिए मातृशक्ति ने नारेबाजी की, साथ ही मनमानी की बात कही है। इस दौरान अवैध धंधे वालों को टिकट देने वह गुंडागर्दी की बात महिला नेत्री कहते हुए नजर आई। बदतमीजी हुई थी नागचंद्रेश्वर 11 नंबर वार्ड से, रायशुमारी में सारे शराब पी के आए हुए थे और महिलाओं को घेर लिया वहाँ पर शराब पी के। रायशुमारी में सारे जो आए हुए थे लोग वो शराब पी के आए हुए थे, बाहर से बुलाए गए थे, दारू पी के आए हुए थे, मतलब वहाँ के स्थानीय नहीं थे, दूसरे वार्डों के आए हुए थे बाहर के। भाजपा कार्यालय में अभी जो हंगामा हुआ रायशुमारी वाले थे, रायशुमारी वाले जो वार्ड वाइज हुई है 11 नंबर वार्ड नागचंद्रेश्वर में हुई थी, और वहाँ पर हम महिलाएं हम लोग किस प्रकार हम आए निकल कर, प्रज्ञा ठाकुर है, मैं हूँ, हम लोग बहुत मुश्किल से निकल के आए, और यहाँ पर आकर हम हमारे वरिष्ठों को जो संगठन में है उनको हम आके हमारी बात बताने आए तो यहाँ से भी भगा दिया गया। बोले आप यहाँ क्यों आए, आप जाओ यहाँ से, क्या काम है आपका यहाँ पे। मतलब आपकी बात महिलाओं की बात नहीं सुनी। कितनी महिलाएं ऐसी दावेदार हैं जो आवेदन कर रही है 11 नंबर से? तो हमारे पूरे अगर 10 से 12 जी, और हमेशा यही होता है कि अगर जो सक्रिय महिलाएं हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, नई नई महिलाओं को ले आते हैं और उनको टिकट देते हैं, और फिर हम सक्रिय महिलाओं का क्या है। नपा चुनाव के टिकट फाइनल करने के लिए काफी कश्मकश देखने को मिली है। पीथमपुर में संजय वैष्णव और अशोक पटेल दोनों अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए अड़े हैं, इसलिए खींचतान ज्यादा है। धार से मृदुभाषी प्रदेश के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।